साथियों, रघुवंश बाबू जिन्होंने हमेशा सोशलिस्ट मूल्यों को आगे बढ़ाया, अपना पूरा जीवन बिहार की सेवा में लगा दिया, उनको कैसे अपमानित किया गया ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, बिहार का हर बड़ा बुजुर्ग जानता है। जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए रघुवंश बाबू जैसे कर्मयोगियों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, वे बिहार के सामान्य युवाओं को अवसर कैसे दे पाएंगे? साथियों, बिहार की मिट्टी में हमेशा से सामर्थ्य रहा है। ये देश विदेश में बिहार से निकले बेटे बेटियों ने बार बार दिखाया है। अभी हाल में ही बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात बताना चाहता हूं मैं। अभी हाल में ही बिहार की मिट्टी के सपूत गोपालगंज से रिश्ता रखने वाले बैवेल राम कमलावन जी सेशल्स देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आज उनके ही क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से, भारत की तरफ से, मैं सेशल्स के नए चुने गए राष्ट्रपति जी को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, दूसरे देशों में गए यहां के नौजवानों ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहां से तो अनेक युवा खाड़ी के देशों में गए हैं, उनकी भी दिक्कत कम हो इसका भी प्रयास किया गया है। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना जाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। बीते 3-4 सालों में ही बिहार में 30 से ज्यादा पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं, जिसमें से एक केंद्र गोपालगंज में भी खोला गया है।